Hello students, now in my previous videos हम लोगों ने बात करी थी नील बोर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम की. नील बोर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ हम लोगों ने कुछ डेवलपमेंट्स की बात करी थी. डेवलपमेंट्स में हम लोगों ने डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर, हेजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, सोमरफील्ड एक्सपेरिमेंट देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि नील बोर के मॉडल में भी कुछ कमियां थी. एंड नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट द लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम दैट वी फॉलो टुडे, जो हम आज फॉलो करते हैं, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल. और वेव मैकेनिकल मॉडल. सो फ्रॉम नाउ एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, this model was suggested by a scientist whose name is Schrodinger. Schrodinger suggested this model by giving a Schrodinger wave equation. Schrodinger ने एक equation बनाई जिसका नाम था Schrodinger wave equation. वो इक्वेशन को सॉल्व करने पर, वो इक्वेशन को डीपली स्टडी करने पर हमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें मालूम पड़ी. और इसी मॉडल के बेसिस पर या इसी स्क्रोडिंजर की इक्वेशन के बेसिस पर हमें लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम के बारे में पता चला. स्क्रोडिंजर की जो वेव इक्वेशन थी वो कुछ ऐसे दिखती थी, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो. This equation is called as Schrodinger wave equation. This is Schrodinger wave equation. Equation देख के घबराए नहीं, ये equation हमारे काम की नहीं है. हमें सिर्फ इस equation को एक बार ध्यान से देखना है. इसके अलावा ये equation ना तो आपको मगअप करनी है, ना तो स्कूल लेवल पे आपसे कोई पूछने की हिम्मत करेगा. ये इक्वेशन सीनियर लेवल पे जाकर, रिसर्च लेवल पे जाकर पढ़ी जाती है. राइट नाउ हमें इस इक्वेशन से क्या इंटरप्रेट करना है, क्या सोच रही होगी स्क्रोडिंजर की इसके पीछे. स्क्रोडिंजर ने जब ये इक्वेशन बनाई तो स्क्रोडिंजर का कहना था दैट दिस साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इस साय का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है. बट व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर साय स्क्वायर, देन साय स्क्वायर हमें जो वैल्यू देता है वो वैल्यू किस चीज की होती है, इट टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें यह साय स्क्वायर बताता है. वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ई इज एनर्जी, वी इज पोटेंशियल एनर्जी एंड डी एक्स डी वाई एंड डी जेड आर द एक्सिस. एक्स वाई एंड जेड आर द एक्सिस. जैसे कि आप लोग जानते हैं अलग अलग एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये अलग अलग एक्सिस होते हैं. ई इज द एनर्जी,
एंड वी इज पोटेंशियल एनर्जी। बस हमें इतनी ही चीजें इसके बारे में जाननी है। दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस वेव इक्वेशन के जनरेट होने के बाद श्रोडिंगर ने हमें कहा दैट नील बोर का जो मॉडल होता है वो हमें सिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास एक स्पेसिफिक ऑर्बिट, एक स्पेसिफिक शेल में घूमता है, जिसका रेडियस भी स्पेसिफिक होता है, जिसकी पोजीशन भी स्पेसिफिक होती है। बट एज वी ऑल नो, जो हेजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत हम रेडियस, हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को कभी नहीं डिटरमाइन कर सकते। एंड सेम थिंग वॉज सेड बाय श्रोडिंगर दैट हम इलेक्ट्रॉन को कभी भी एक एग्जैक्ट पोजीशन पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो देयरफॉर ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है इट एक्चुअली वर्क्स ऑन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूअल नेचर, एंड ड्यूअल नेचर इज गिवन बाय डी ब्रोगली। तो बेसिकली ड्यूअल नेचर के हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होगा, और आप एक एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कि वो कहां घूम रहा है, किस रेडियस में घूम रहा है, आप नहीं बता सकते। इज दैट क्लियर? सो हमारे लिए क्लास 11th के लेवल पर, जेईई के लेवल पर, नीट के लेवल पर सिर्फ ये बात जानना जरूरी है। मगब करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ साई स्क्वायर पर ध्यान दें। साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है जो हमें बताता है दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वेयर dx, dy एंड dz आर द एक्सिस, और साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। प्लीज अगर आप चाहें तो ये इक्वेशन नोट डाउन कर लीजिए। इस इक्वेशन के बाद मैं आपको एक एग्जैक्ट पिक्चर बताऊंगा कि कैसा एक एटम दिखता होगा या कैसा एक एटम दिखता है। तो अब हम यहां से बात शुरू करेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से हमारा एटम कैसा दिखता होगा। जस्ट इमेजिन, हम लोगों ने एक एटम को कैसे देखा या हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल को कैसे देखा। एक एटम न्यूक्लियस, मतलब एक एटम के न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अभी यहां है, कुछ देर बाद यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, यहां होगा, ऐसे वो लगातार घूम रहा है। तो हम लोग एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लेकर, एक माइक्रोस्कोपिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लेकर, वी विल टेक कंटिन्यूअस पिक्चर्स। लगातार हम कुछ पिक्चर्स लेंगे, हर सेकंड में क्लिक 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 करके हम पिक्चर लेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, एक क्लिक में इलेक्ट्रॉन अगर यहां होगा तो अगले क्लिक में इलेक्ट्रॉन यहां होगा, अगले क्लिक में इलेक्ट्रॉन यहां होगा, देन यहां, 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 इन एवरी क्लिक यू विल फाइंड इलेक्ट्रॉन एट द डिफरेंट पोजिशन। और वो सारी फोटोग्राफ्स को, वो सारे रिपोर्ट को हम एक साथ मर्ज करके वी विल ट्राई टू फाइंड, वी विल ट्राई टू इमेजिन, वी विल ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के द्वारा जब एटम को देखा गया तो ये पाया गया कि जो नील बोर ने हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था, एक्चुअली एटम ऐसा नहीं होता। क्योंकि नील बोर ने हमें यह कहा था कि भाई साहब आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के आसपास एक स्पेसिफिक शेल के अंदर घूम रहा है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, जिसका रेडियस भी स्पेसिफिक है। बट ऐसा नहीं होता है। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको एक पिक्चर माइंड में बनाना पड़ेगी दैट जो बचपन से आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते आ रहे हो वो गलत है। एक्चुअली एटम ऐसा नहीं होता है। तो एटम कैसा होता है हम इमेजिन करेंगे। लेट्स इमेजिन एक मधुमक्खी का छत्ता, आप इमेजिन कीजिए एक मधुमक्खी का छत्ता है
और उसके आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही है, मधुमक्खियां घूम रही है, तो क्या मधुमक्खी छत्ते के आसपास सिर्फ सर्कुलर मोशन करती है? नहीं, वो कभी भी कहीं भी घूम रही होती है। वो कभी ऐसे घूमेगी तो कभी ऐसे घूमेगी तो कभी ऐसे घूमेगी, तो कभी थोड़ा क्लोज आकर घूमेगी, तो कभी थोड़ा दूर जाकर घूमेगी, तो वापस कभी थोड़ा क्लोज आकर घूमेगी, कभी ऐसे तरीके से घूमेगी। इट विल शो अ थ्री डायमेंशनल मूवमेंट। थ्री डायमेंशनल मूवमेंट शो होगा। कैसे थ्री डायमेंशनल मूवमेंट शो होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ ऐसा घूमेगा, आप टू डायमेंशनल ही बना सकते हो। आप इलेक्ट्रॉन को एटम के आसपास घूमते हुए आप टू डायमेंशनल ही बना सकते हो। ये न्यूक्लियस है और आपने एक ऐसा पाथ बना दिया और आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया। आपने क्या इसको टू डायमेंशनली लोकेट कर दिया और आपने कह दिया इलेक्ट्रॉन भाई साहब ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास ऐसा ऐसा घूम रहा है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो होता कैसा है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। एक मधुमक्खी का छत्ता है जिसके आसपास चारों तरफ मधुमक्खियां भिनभिना रही है। किस पाथ में, किस ऑर्बिट में, कितने रेडियस पे, वी डोंट नो। बट रिमेंबर वन थिंग, एनर्जी फिक्स होती है। एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज फिक्स्ड। तभी तो वो न्यूक्लियस में जाकर गिरता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो कैसा दिखता होगा न्यूक्लियस के आसपास एटम, आई मीन एटम कैसा दिखता होगा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहां पर मैं एक न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस बनाऊंगा। मैंने काफी बड़ा न्यूक्लियस बना दिया है, बट ठीक है, आपको समझाने के लिए ये बहुत है। ये एक आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, लगातार यू विल फाइंड इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस। आपको कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखेगा जब आप देखेंगे इसको, जब हम फोटोग्राफ क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि न्यूक्लियस के आसपास तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे इसके आसपास, बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे डायग्राम के अंदर। एज वी गो फार, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से हम दूर जाते जाएंगे, एज सून एज वी गो फार द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो न्यूक्लियस से दूर जाने पर डिक्रीज होती जाएगी। एज सून एज यू गो फार फ्रॉम द न्यूक्लियस द डेंसिटी विल डिक्रीज, डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने पास में जो बना रखा था स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के जो बिल्कुल पास बना रखा था, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा डॉट्स दिख रहे होंगे। और ये डॉट्स क्या शो करता है, ये डॉट्स शो करता है कि न्यूक्लियस के आसपास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एंड एज सून एज वी गो फार, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पता लगाने की जो उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो एक्चुअली जो आपका मॉडल होता है वो हमें कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है। दिस इज द एक्चुअल मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल ऑफ एटम के आसपास मैं एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाता हूँ। रिमेंबर माई वर्ड्स, रिमेंबर वॉट आई एम सेइंग। मैं एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाता हूँ और इस इमेजिनरी बाउंड्री को कहा गया, इस इमेजिनरी बाउंड्री को बताया गया बाय अ टर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसे बोला गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल्स, नॉट ऑर्बिट। क्या नाम दिया था इसको, ऑर्बिटल्स। एंड वॉट आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और वॉट आर ऑर्बिटल्स, एक्चुअली इट इज द, इट इज एन एरिया, इट इज एन एरिया इन एन एटम, इट इज एन एरिया इन एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90%। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले एरिया के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले एरिया के अंदर आपको एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सिर्फ 90%। क्यों, आप इमेजिन कीजिए एक मधुमक्खी का छत्ते की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके पास आसपास मधुमक्खियां भिन भिना रही है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मधुमक्खी के छत्ते के आसपास जितनी मधुमक्खियां हैं सिर्फ उतनी मधुमक्खियां इस छत्ते के अंदर होगी,
आपको क्या पता कि उस मधुमक्खी के छत्ते में से कोई एक मधुमक्खी कई किलोमीटर दूर जाकर किसी फ्लावर के ऊपर नेक्टर लेने गई हो, जूस निकालने गई हो फॉर मेकिंग हनी, ये भी हो सकता है। सो देयरफॉर फंडा क्या कहता है, फंडा हमें ये बोलता है कि कभी भी यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द 100% इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर ऐसा भी हो सकता है कि इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, यहां पर घूम रहा हो, वी कैन नॉट से। सो बेसिकली हम लोग अगेन, जैसे कि आप मेरे शब्दों पर अगर ध्यान दे तो मैं बार बार प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, हो सकता है कह रहा हूं, होता है नहीं कह रहा हूं। क्यों? बिकॉज वेव मैकेनिकल मॉडल इज कंप्लीटली इन फेवर ऑफ हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो देयर इज एन सर्टेनिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इस ऑर्बिटल के अंदर देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस तरीके का आपका एटम दिखता है। तो इसके अंदर एज यू कैन सी कोई हम स्पेसिफिक रेडियस वगैरह नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में जरूर बात कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन nth ऑर्बिटल कैन बी गिवन बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम नील बोर के फॉर्मूले को यहां फॉलो करेंगे, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विद दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल, जो भी शेल होगा उसके अंदर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ऑन सॉल्विंग द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, अगर आपको स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन मैंने जो पहले लिखी थी अगर वो याद हो, तो जब हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें कुछ वैल्यू मिलती है। सबसे पहली वैल्यू साय स्क्वायर, जो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, हमें पहली चीज ये बताता है। दूसरा एक्स वाई एंड जेड एक्सिस बताता है दैट कौन से एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन होगा, हमें इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर साथ ही साथ ऑन सॉल्विंग द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। ऑन सॉल्विंग द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन वी गेट एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज क्वांटम नंबर्स। हमें स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्वांटम नंबर के बारे में पता चलता है, एंड बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ जो इन तीनों क्वांटम नंबर के काफी टाइम बाद हमें मालूम पड़ा स्पिन क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, अजीमुथल इज बाय l, मैग्नेट इज बाय m एंड स्पिन इज बाय s। ये फोर क्वांटम नंबर्स के बारे में हमें मालूम पड़ा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर दिस हम बात करेंगे डिटेल में ये चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में, और हम वहीं पर बात करना शुरू करेंगे कि क्यों स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें माइंड में पिक्चर क्लियर होने लगी, हमें एक पिक्चराइजेशन होने लगा कि हाउ एक्चुअली अ एटम लुक्स लाइक। सो मूविंग फॉरवर्ड मैं इसे रब करूंगा, होप आपको अभी तक की चीज समझ में आ रही हो। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कीप मी आस्किंग, आप मुझसे पूछ सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग इन क्वांटम नंबर्स को अब डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिस्कसिंग द क्वांटम नंबर्स आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज आई सेड इट इज सजेस्टेड बाय स्मॉल n। व्हाट एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सजेस्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स टेल्स अस अबाउट द शेल
और ऑर्बिट, रिमेंबर मैं ऑर्बिट कहता हूं तो वो शेल होता है, और जब मैं ऑर्बिटल कहता हूं वो एक अलग चीज होती है. सो इट टेल्स अस अबाउट द शेल और ऑर्बिट इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ऑल्सो इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी एसोसिएटेड विथ द ऑर्बिट, विथ द ऑर्बिट और शेल. ओके, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द साइज ऑफ द शेल. Now what is shell? It is denoted by n, principal quantum number. When n is equal to 1, it means the first shell, which is also known as K shell, as suggested by Niels Bohr. When principal quantum number n is equal to 2, it means second shell, which means it is in L shell. When n is equal to 3, इट मीन्स थर्ड शेल, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, दैट इज एम शेल. व्हेन एन इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है, दैट इज योर एन शेल, एंड सो ऑन. सो दिस टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच शेल, कौन से शेल में, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है. अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिलेगा, देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सजेस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच शेल. अगर इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू 1 आएगी, दैट मींस आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है. एन इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एन इज इक्वल टू 3 थर्ड, एन इज इक्वल टू 4 फोर्थ शेल. इज दैट क्लियर? ऑल्सो एन इज इक्वल टू 1 इज स्मॉलर देन एन इज इक्वल टू 2, n is equal to 2 is smaller than n is equal to 3, and n is equal to 4 is always greater than n is equal to 3. So as soon as the principal quantum number increases, the size of the shell increases. Size of the shell increases as principal quantum number increases. Is that clear? यहाँ पर आपको कोई doubt तो नहीं है? समझ में आ रही है बात बेटा आप लोगों को? So this is the first quantum number. That is your principal quantum number. This is the first quantum number, जिसको हम बोलते हैं principal quantum number. Moving forward, अगर हम second quantum number की बात करें, so the second quantum number, as you know, as I have already written, was azimuthal quantum number. So the next quantum number that we are going to talk about, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय एल, इट इज डिनोटेड बाय एल. नाउ अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अबाउट द सबशेल, वेरी इंपॉर्टेंट, और सब ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. इट टेल्स अस अबाउट द सब ऑर्बिट और सब शेल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. वही अजीमुथल आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के सब शेल के अंदर है. समझ में आ रही है बेटा बात आप लोगों को? सो इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल और सब ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट. इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन.
दैट इज इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है, क्या वो एक्स एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, या वाई पर कर रहा है, या जेड पर कर रहा है। इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द सब ऑर्बिटल। कौन से सब ऑर्बिटल का, सब ऑर्बिट का आई एम सॉरी, क्या एक्सिस है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर? अजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज ऑलवेज डिराइव्ड बाय दिस फॉर्मूला। एल इज डिराइव्ड बाय दिस फॉर्मूला, जीरो सॉरी एल इज इक्वल टू एन माइनस वन, वेयर एल इज योर अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय and it is always represented by 0 to L। हम हमेशा इसे represent कैसे करेंगे, 0 to L। कोई चिंता वाली बात नहीं है, अभी explain करूंगा, समझ में आएगा। Let's say electron first principal quantum number में मौजूद है, electron is present in first principal quantum number और first shell, तो इसके लिए L क्या हो जाएगा, L is n minus 1, so 1 minus 1, L क्या हो जाएगा, 1 minus 1 which is equal to 0, so इसको मैं represent कैसे करूंगा, 0 से। Is that clear? अब साथ ही साथ आप एक चीज याद करते चलिए, बहुत important बात है, आप इसको याद करते चलिए, जब जब आपका L 0 होगा, ये हमें S ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। L इज जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू S ऑर्बिटल, जब L की वैल्यू जीरो मिलेगी S ऑर्बिटल, दैट मींस यहां पर जीरो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के S सब शेल के अंदर या S ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। When N इज इक्वल टू 2, मतलब अब आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड क्वांटम नंबर के अंदर है, सो एल की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1, दैट इज 1, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 टू एल। यहां पर आपका एल क्या है, 1, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1। जब एल की वैल्यू 0 रहेगी तब तो एस ऑर्बिटल में रहेगा, नो डाउट, यहां पर ही हो जाएगा 1s, यहां पर L की वैल्यू 0 है, दैट मींस 2s, एंड L की वैल्यू 1 भी है, रिप्रेजेंटेड बाय 0 टू L, तो 1 निकली, 0 एंड 1, सो 1 L 1 इज ऑलवेज फॉर p ऑर्बिटल, सो इलेक्ट्रॉन आपका p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। एक चीज हम लोग यहां से हटा देते हैं अभी राइट नाउ, ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन की बात हम लोग अगले क्वांटम नंबर में करें तो ज्यादा बेहतर है, वहां पर हम इसकी बात करेंगे, जस्ट कट दिस। नेक्स्ट, अगर आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, सो एल विल बिकम 3 माइनस 1, दैट इज 2, सो एल विल बी रिप्रेजेंटेड एट 0, 1 एंड 2। सो नाउ When L is equal to 2, that means electron is present in d orbital. Electron कौन से orbital में जाएगा? d orbital में. So this tells us about third shell, that is 3s, 3p and 3d. Understanding? Next, if n is equal to 4, so l will be 4 minus 1, that is 3, so it can be written as 0, 1, 2 and 3. Yahan par l is equal to 3, that means f orbital, so this will become 4s, 4p, 4d एंड 3 स्टैंड फॉर 4f। सो इस तरीके से अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, एंड अजीमुथल विल टेल यू दैट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, 1s, 2s, 2p,
3s3p3d, 4s4p4d, 4f एंड सो ऑन, इस तरीके से. सो दिस इज योर अजीमुथल क्वांटम नंबर. नेक्स्ट क्वांटम नंबर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अब हम जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, साथ ही साथ इट शोज द ओरिएंटेशन. जो हम लोगों ने पिछली बार लिख दिया था, इट शोज द ओरिएंटेशन, बेसिकली ओरिएंटेशन के बारे में ये हमें ज्यादा अच्छे से बताता है. दैट इज कौन से एक्स एक्सिस पर है, कौन से वाई एक्सिस पर है और कौन से जेड एक्सिस पर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन बताएगा. वन मोर थिंग दैट वी शुड रिमेंबर दैट इन वन ऑर्बिटल, किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड. एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर भले ही वो 1s हो 2s हो, इनके अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक, सॉरी सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं. इज दैट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है. अब हम यहां से देखते हैं दैट हाउ वी विल कैलक्यूलेट द एम मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट एक चीज के बारे में और बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज डिराइव्ड बाय एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई. इससे आप लोग एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं. एल जहां पर आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा, तो आप अजीमुथल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करके आप यहां पर एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ हाउ वी विल फाइंड, हम कैसे पता लगाएंगे अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पता लगाने का तरीका है, फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1. विद दिस फॉर्मूला आप पता लगाएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, जैसे हम लोगों ने l को रिप्रेजेंट किया था, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इट इज रिप्रेजेंटेड एज माइनस l 2 प्लस l. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात हो रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, लेकिन आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से, अजीमुथल से. और यही रीजन है कि मैंने यहां पर एल जो आपका एंगुलर मोमेंटम है इसको यहां पर डिस्कस किया है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, वेयर एल इज योर अजीमुथल क्वांटम नंबर. तो इस तरीके से आप अजीमुथल क्वांटम नंबर की मदद से अब आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. अगर आपका एन वन है तो अभी हमने पढ़ा था एल हमारा जीरो हो जाएगा. अगर L 0 हो जाएगा तो 0 into 2, 0, 0 plus 1, 1, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका यहां पर हो जाएगा 1. इज दैट क्लियर, कोई डाउट बड़ा आप लोगों को, ठीक हो गई बात. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप M को, भाई माइनस L टू प्लस L. अब L ही 0 है तो यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन भी क्या हो जाएगा, 0. देयरफोर इलेक्ट्रॉन अभी कौन से सब ऑर्बिटल में, कौन से शेल में, कौन से सब शेल या कौन से ऑर्बिटल में, 1s ऑर्बिटल के अंदर है. कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ रही बात बेटा आप लोगों को. नेक्स्ट अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो यू ऑल नो l विल बी 0 एंड 1. पिछले सिखाया था ना, पीछे वाले में बताया था ना l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n माइनस 1 से. तो जब n 2 होगा तो l की वैल्यू 1 आएगी, और L को रिप्रेजेंट हमेशा कैसे किया जाता है, 0 टू L से.
यहां पर मैं लिख देता हूं अगर आपको डाउट हो। सो एल इज इक्वल टू हम यहां पर निकालते हैं एन माइनस वन से, एंड एल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज जीरो टू एल। तो मैं यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन वाला फॉर्म लिख रहा हूं जीरो टू वन। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एल की वैल्यू वन आई। यहां पर एल की वैल्यू क्या आई एक्चुअली, एल इज इक्वल टू वन, तो वन इंटू टू टू, टू प्लस वन थ्री, तो एम की वैल्यू क्या हो गई थ्री। थ्री दैट मीन्स देर आर थ्री ऑर्बिटल्स, देर आर थ्री ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अजीमुतल क्वांटम नंबर वन। अब हम इसको देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जब एल की वैल्यू जीरो होगी तो ये हो जाएगा जीरो, दैट इज योर टू एस ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जब आपके एल की वैल्यू वन होगी तो आपका एल का वैल्यू जब वन होगा तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, माइनस एल टू प्लस एल। तो जब एल वन है तो एक रिप्रेजेंटेशन होगा माइनस वन, जीरो आएगा सेकेंड, और प्लस एल सो प्लस वन। तो आप देख रहे हैं कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं आपके सामने, माइनस वन जीरो एंड प्लस वन। व्हेन एल इज इक्वल टू वन वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन टू पी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन टू पी ऑर्बिटल में होगा। लेकिन माइनस वन जीरो एंड प्लस वन ये क्या शो करते हैं, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, दे शोज द ओरिएंटेशन और द एक्सिस। टू पी माइनस वन शोज टू पी एक्स, जीरो शोज टू पी वाई, एंड प्लस वन शोज टू पी जेड। एक टू पी एक्स ऑर्बिटल है, एक टू पी वाई ऑर्बिटल है, और एक टू पी जेड ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार और दो छह, सो पी ऑर्बिटल हैव टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन इट। वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक एंड वी कैन ट्राई टू सॉल्व। जब एन थ्री होगा, जब एन थ्री होगा तो एल क्या हो जाएगा, जीरो वन एंड टू, बिकॉज एल की वैल्यू यहां आ जाएगी टू। एन माइनस वन से, एन माइनस वन फॉर्मूला से एल की वैल्यू आ जाएगी टू, और टू को एल को आप हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं जीरो टू एल से, सो जीरो वन एंड टू। तो यहां पर इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस फॉर्मूले से आ जाएगा टू टू द फोर प्लस वन फाइव फाइव। अब आप इसको ध्यान से देखिए, जब L जीरो होगा, जब L जीरो होगा, जब आपका L जीरो हो जाएगा तो ये 3s ऑर्बिटल में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, दैट इज टू इलेक्ट्रॉन। जब L वन होगा तो यहां पर आपको मिलेगा माइनस वन जीरो एंड प्लस वन, सो दैट इज आपका इलेक्ट्रॉन 3p में है, यानी कि 3px, 3py और 3pz में है, और इस तरीके से टोटल इसमें छह इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जब L की वैल्यू टू होगी और M की वैल्यू इसके लिए फाइव आ रही है तो ये हो जाएगा, M को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस L टू प्लस L। L की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है टू, सो इट इज माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन एंड प्लस टू, दैट इज योर फॉर थ्री डी ऑर्बिटल। और अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, एक दो तीन चार पांच, पांच वैल्यूज आ रही है, तो इसका हो जाएगा ओरिएंटेशन 3d xy, 3d yz, 3d zx, 3d x square minus y square and 3d z square। एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, और एक ऑर्बिटल ये, टोटल पांच ऑर्बिटल। पांच ऑर्बिटल बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपको इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, 1s में है, 2s में है, 2px में है, 2py में है, 2pz में है, 3x में है, सॉरी 3s में है, 3px में है, 3py में, 3pz में है, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx square minus y square या 3dz square, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसकी बात करेगा। साथ ही साथ ये एक्सिस के ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। 2px मतलब ये ऑर्बिटल x एक्सिस पर होगा, 2py मतलब ये ऑर्बिटल y एक्सिस में होगा, 2pz मतलब ये इलेक्ट्रॉन z एक्सिस में होगा, और इस तरीके से आपको ये अलग अलग एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। सो दिस इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
The last quantum number that we are going to discuss is the spin quantum number. Spin quantum number. ये quantum number शुरू में साथ में नहीं माना जाता था इसके. इसको हम लोग इसमें include नहीं करते थे. But अब हम लोग इसे करने लगे हैं इसके अंदर include. और इसको include करने का reason ये है, जो हम स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद एक रूल पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग इसकी बात कर सकते हैं. बट राइट नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एस. और यार कुछ किताबें इसको मालूम है एलएस की तरह भी लिखती है, तो हम लोग तो ऐसे याद रखो स्पिन क्वांटम नंबर कोई बात नहीं है, स्पिन क्वांटम नंबर. नाउ इमेजिन करो दिस इज योर न्यूक्लियस या आपके एटम का एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है जो इस तरीके से आपके न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, नाउ इस एक ऑर्बिटल के अंदर, ये एक बेसिकली एक ऑर्बिटल है, इट इज सिंपल एंड वन ऑर्बिटल. मैंने अभी आपसे कहा ना एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन. तो ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास इस तरीके से कहीं पर भी थ्री डायमेंशनली घूम रहे होंगे, अपने को मालूम नहीं किधर घूम रहे होंगे. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमने के साथ साथ अपनी पोजिशन पर भी घूमते हैं. बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है बात? जैसे हमारी अर्थ, जब हमारी अर्थ सन के आसपास घूमती है तो 365 दिन में एक चक्कर लगाती है तो हमारा एक साल खत्म होता है, जिसमें एक समय वो सन से दूर चली जाती तो हमारी अर्थ पर ठंड वाला सीजन आ जाता, और एक समय अर्थ के पास आ जाती जब हमारे अर्थ पर गर्मी वाला सीजन आ सकता. तो एक साल के अंदर गर्मी, सर्दी, बारिश सारे सीजन आते हैं, वो सन के आसपास एक चक्कर लगाती है. तो ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर भी ऐसी घूमती है जिसके घूमने से एक ही दिन में हमारी अर्थ पे दिन और रात दोनों हो जाते हैं. वही फंडा इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमते हैं बट वो अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं. कभी कभी स्पिन क्वांटम नंबर को पढ़ने में हमारे मन में ये बात आ जाती है कि हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा आ रहा हो, ये ऐसे घूम रहे हो, एक ही एक्सिस में दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हो. नहीं, घूमते तो ऐसे ही है, दोनों साथ में घूमते हैं, लेकिन ये अपने एक्सिस पर एक ऐसा जाएगा, बेसिकली भांगड़ा कर रहे होते हैं ये ऐसे ऐसे. समझ में आ रही? अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं. तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दिस, वन इलेक्ट्रॉन विल मूव क्लॉकवाइज. एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा होगा. सो स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इट्स ओन एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट, अराउंड द न्यूक्लियस. स्पिन क्वांटम नंबर को दो तरीके से दर्शाया गया है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. रिमेंबर वन थिंग, दिस प्लस हाफ एज माइनस हाफ कभी भी सिग्निफिकेंस नहीं देगा कि प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए है या एंटी क्लॉकवाइज के लिए है. दिस डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस, बट ये जरूर शो करेगा कि एक स्पिन इज ऑलवेज फॉर द क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, एंड एंटी क्लॉकवाइज इट कैन ऑल्सो बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. समटाइम्स इन इलेक्ट्रॉन के स्पिन को इस तरीके के एरो से भी शो किया जाता है, एक एरो ऐसा और एक एरो ऐसा. अगेन दिस एरो डज नॉट गिव एनी सिग्निफिकेंस, ये एरो भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन कौन सा एरो किसके लिए वी डोंट नो. सो दिस इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
So this is the fourth quantum number, that is your spin quantum number. So spin quantum number tells us about the spin of electron in an orbital. एक orbital जिसमें अधिकतम maximum two electrons ही आ सकते हैं, उसमें एक का spin clockwise होगा तो दूसरे का 101% एंटी क्लॉकवाइज ही होगा. ये आपके चार क्वांटम नंबर्स हो गए. अब हम क्या करते हैं, इन चार क्वांटम नंबर का एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के हिसाब से मेरे ख्याल से आपको काफी ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी. आई होप कि आपको चीज क्लियर हो जाए. तो हम एक टेबल बनाते हैं. टेबल की शुरुआत में से करता हूं. जब एन इज इक्वल टू वन रहेगा तो एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी. L का रिप्रेजेंटेशन यहां पर जीरो से रहेगा तो M की वैल्यू वन हो जाएगी. जहां पर मैंने 2L प्लस वन का फॉर्मूला लगाया है, यहां पर मैंने N माइनस वन का फॉर्मूला लगाया है. यहां पर रिप्रेजेंटेशन मैंने करा है जीरो टू L से, यहां पर मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है माइनस L टू प्लस L से. मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आई वॉन्ट कि आपको पूरी चीज़ यहीं पर बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी भी तरीके का आप डाउट्स ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा. रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, m इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज माइनस l टू प्लस l. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको, मैं अच्छी जगह बनाता हूँ. l इज इक्वल टू जीरो टू l, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको. ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा जीरो, यहां पर ये हो जाएगा जीरो. दैट मींस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 1s ऑर्बिटल में. और 1s ऑर्बिटल में इनका स्पिन क्या होगा, एक का स्पिन होगा क्लॉकवाइज तो दूसरे का स्पिन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, दो स्पिन हो गए. अब जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में होगा तो यहां पर L की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0 कॉमा, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, यहां लिखूंगा मैं 0 एंड 1. तो जब M की वैल्यू, L की वैल्यू 1 है तो 2 वन से 2 प्लस 1 3 हो जाएगी वैल्यू, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा. जब L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी 0, M की वैल्यू 0 तो 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल तो अगेन स्पिन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, दिस इज द स्पिन. फिर जब एल की वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू माइनस 1 0 एंड प्लस 1, दिस सिग्निफिकेंस इज फॉर 2px 2py 2pz. इन तीनों में स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ एंड प्लस हाफ माइनस हाफ होगी. ठीक है, जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो l की वैल्यू ऑफ कोर्स सी बात है 2 हो जाएगी. रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 एंड 2 से. m की वैल्यू 2l प्लस 1 से 5 हो जाएगी. जब l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू 0, जब l का वैल्यू 1 तो इसका वैल्यू माइनस 1 0 एंड प्लस 1, जब इसका वैल्यू 2 तो इसका वैल्यू माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 एंड प्लस 2. तो दिस सिग्निफिकेंस इज फॉर 3s ऑर्बिटल, दिस इज 3px, दिस इज 3py, दिस इज 3pz, दिस इज 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड दिस इज 3dz स्क्वायर. इसमें इलेक्ट्रॉन दो आएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इन तीनों में भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. टोटल इसमें आएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व इट फॉर एन नंबर ऑफ एटम्स. तो यहां पर हमारा क्वांटम नंबर वाला पार्ट खत्म होता है. इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, इसके बाद जो हम लोग बात शुरू करेंगे, हम बात करेंगे कि यार ये ऑर्बिटल्स जो है, एस ऑर्बिटल, p
पी ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड, एस ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल, डी एक्स डी वाई डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये भला क्या है, ये क्या है, इनका कैसा शेप होता है, इनके क्या होता है, इनका शेप क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, केदर होते हैं क्या, इनका एनर्जी होता है, हम उसकी बात करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल नाउ अगर इस वीडियो लेक्चर में कहीं पर भी फंस रहे हो, कोई भी डाउट आ रहा है, जस्ट आस्क मी, क्योंकि ये एक बड़ा इजी सा टॉपिक है, केमिस्ट्री की शुरुआत है और पूरी केमिस्ट्री इस पर बेस्ड है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो फिर आपको केमिस्ट्री बड़ी आसान लगती जाएगी इन योर अपकमिंग चैप्टर्स, जो आप इलेवेंथ में आगे पढ़ने वाले हो, आईआईटीज में आगे पढ़ने वाले हो, अगर ये चैप्टर क्लियर है तो समझ में आ जाएगा, इजी हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन क्वांटम नंबर से जेईज में, नीट में, आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। हास्ता ला विस्ता।